हेलो, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल डूइंग वेल. आई एम तनुषा अटकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पीसीएस, पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में कैसे फीमेल्स अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है. बिकॉज काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे वो प्रेगनेंसी कन्फर्म करे. तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पीसीएस, पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में फीमेल की बॉडी में सबसे पहले प्रेगनेंसी के कौन से लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं. अगर ये लक्षणों को आप जान लेंगे और अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं पीसीएस, पीसीओडी की कंडीशन में. क्योंकि गाइस, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में ज़्यादातर फीमेल्स के इरेगुलर पीरियड्स होते हैं. इरेगुलर पीरियड्स की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. ये नहीं समझ आता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए जिससे उन्हें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाए. तो गाइस, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में बेस्ट तरीका है कि आपको अपनी बॉडी के सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी में सबसे पहले दिखाई देते हैं. तो आज मैं उन्हीं सिम्टम्स के बारे में बात करने वाली हूँ जिससे आसानी से आप पीसीएस पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द कन्फर्म कर सकते. ये जो सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी, ये लक्षण ये फीमेल की बॉडी में पीरियड मिस होने से पहले ही दिखना शुरू हो जाते हैं और जिससे आप बहुत जल्द रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में या पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं. और ये बहुत ही एक्यूरेट तरीका है, बहुत ही बेस्ट तरीका है. क्योंकि गाइज, फीमेल्स को जब ये नहीं पता होता कि पीरियड की डेट क्या है तो उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए. उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में. और कई फीमेल्स यहाँ पे कंफ्यूज रहती है. कई फीमेल्स को लगता है कि पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में क्या रेगुलर पीरियड जैसे ही अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये भी कंफ्यूज रहता है. तो ये कंफ्यूजन मैं आपका क्लियर कर देती हूँ गाइस. फीमेल को जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है, यानी जो अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स रेगुलर पीरियड्स में होते हैं वही प्रेगनेंसी सिम्टम्स पीसीएस पीसीओडी रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी देखे जाते हैं. बट मेरे केस में मैंने कौन से सिम्टम्स पहले देखे थे पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में, वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. शायद ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और आपको भी ये सिम्टम्स अपनी बॉडी में नजर आएँ जिससे आप बहुत जल्द अपनी प्रेगनेंसी को भी कन्फर्म कर पाएँ. तो आज के वीडियो में मैं यही सब बताने वाली हूँ. ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहिए. वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में ही बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोस की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले. तो गाइस, पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में जिन फीमेल्स के रेगुलर पीरियड्स हैं उन फीमेल्स के लिए तो फिर भी ईजी हो जाता है प्रेगनेंसी को कन्फर्म करना. क्योंकि अगर वो पीरियड मिस होने के एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उन्हें एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई. बट पीसीएस पीसीओडी कंडीशन में ज़्यादातर फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें ये बता पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है. बिकॉज ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता, ओवुलेशन टाइम पर नहीं होता तो ये नहीं पता चलता कि जो नेक्स्ट पीरियड है वो कब आएगी और उसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट का पता करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. कई बार तो फीमेल को ये भी लगता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो नेगेटिव आ रहा है शायद वो जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है. तो उसके लिए आपको जो सिम्टम्स मैं आपको बताने वाली हूँ इन सिम्टम्स को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कीजिए. अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते, मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ एक सिम्टम में आपको रिलाई करना है, दो से ज़्यादा सिम्टम अगर आपकी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते तो हो सकता है कि आप प्रेगनेंट हो. तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो फीमेल की बॉडी में सबसे पहले नज़र आते हैं पीसीएस पीसीओडी ने रेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में, वो मैं आपको बता देती हूँ. तो सबसे पहले फीमेल को एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, यानी लोअर एब्डोमिन में क्रैम्पिंग हो सकती है या माइल्ड सी क्रैम्पिंग होती है. ये आपको जैसे पीरियड आने वाली होती है उस जैसी ही क्रैम्पिंग होती है बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है. कई फीमेल्स इस क्रैम्पिंग को ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं, उन्हें लगता है शायद ये क्रैम्पिंग इसलिए हो रही है कि उनकी पीरियड आने वाली है. बट ये क्रैम्पिंग में क्या होता है, आपका हल्का हल्का पेन होगा, वो कभी कभी होगा पूरे दिन भर में और थोड़ा ये पेन शार्प भी हो सकता है और ये खिंचाव टाइप का भी आपको फील हो सकता है और साथ में आपको सुई जैसे चुभ रही है या मरोड़े जैसे पड़ रही हैं ऐसा पेन हो सकता है. इसके अलावा गाइस, जो सूंघने की क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है जब फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस. अगर कोई भी खुशबू वाली चीज़ होगी आपको बहुत ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि पहले आप उसी फ्रेगनेंस को सूंघते होंगे तो आपको अच्छी लगती होगी. बट जब आपको जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा यानी सर पे चढ़ने लगती है. ये भी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है. इसके अलावा ब्रेस्ट में भारीपन लगना, ब्रेस्ट में सॉफ्टनेस लगना या कई बार कई फीमेल्स को ब्रेस्ट में हल्का सा पेन भी होने लगता है टच करने में. इसके अलावा गाइस, ब्रेस्ट का जो एरोला का एरिया होता है जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है उसका कलर डार्क होने लगता है. तो जैसे ही प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो उसका कलर तो डार्क होने लग जाता है. ये बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी साइन है. इसके अलावा वजाइनल डिस्चार्ज, गाइस वजाइनल डिस्चार्ज से भी अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हो क्योंकि जो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो फीमेल का मिल्की वाइट
जो बिल्कुल थिन होता है, क्लियर होता है, ऐसा वेजाइनल डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कई फीमेल्स को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको पीरियड मिस होने से पहले भी हो सकती है और पीरियड मिस होने के बाद भी हो सकती है, बिकॉज इरेगुलर पीरियड्स में तो पीरियड का पता नहीं होता है, बिकॉज इरेगुलर पीरियड्स में ओवुलेशन लेट होता है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन भी लेट होता है और जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग भी लेट दिखाई देती है। ये ब्लीडिंग ही स्पॉटिंग होती है गाइस। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो, उससे भी अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा फूड क्रेविंग भी होने लगती है। फूड क्रेविंग ऐसी होती है गाइस कि आपको कुछ फूड्स तो खाने का मन करता है बहुत ज़्यादा और बिन खाए आप रह नहीं पाते, बट कुछ फूड्स ऐसे होते हैं कि आपको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। आपके लिए हेल्दी भी होगा फिर भी आपको वो फूड्स बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। इसके अलावा गाइज बार बार यूरिन का आना, ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जिससे फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में भी कन्फर्म कर सकती है। गाइज नोजिया फीलिंग आना या वॉमिटिंग आना, ये भी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जो पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में भी दिखाई देता है, चाहे आपकी पीरियड्स रेगुलर हो या रेगुलर हो, इससे कोई मैटर नहीं करता गाइस। ये प्रेगनेंसी सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर एक फीमेल में बहुत जल्दी दिखाई देते हैं, बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी साइन है जिससे फीमेल बहुत जल्दी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। इस केस में क्या होता है, फीमेल को या तो वॉमिटिंग आ जाती है या वॉमिटिंग जैसा फील होता है, पूरे दिन भर में कभी भी हो सकता है बट ज़्यादातर फीमेल को ये मॉर्निंग में ही होता है जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को कन्फर्म कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि प्रोगेस्ट्रॉन इंक्रीज होता है जिसकी वजह से डाइजेशन लो हो जाता है और जिसकी वजह से फीमेल का डाइजेशन प्रोसेस लो होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको पेट फूला फूला लग सकता है, ये भी एक साइन है प्रेगनेंसी का जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी साइन है। ये सब साइन पीसीएस पीसीओडी या इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन में भी फीमेल की बॉडी में नज़र आते हैं, बहुत जल्द नज़र आते हैं और जिससे फीमेल अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती है। अगर ऐसे साइन आपको अपनी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो उसके एक हफ्ते 10 डेज में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए जिससे आपको अपना सही रिजल्ट पता चल जाएगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सो गाइज ये सारे प्रेगनेंसी सिम्टम्स फीमेल को बहुत जल्दी फीमेल की बॉडी में दिखाई देने लगते हैं और यही सिम्टम्स मुझे भी दिखाई दिए थे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय।